भोज मुझे नहीं होना। आगे खोलो भोज, भोज देखो मित्र, देखो भोज, 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 भोज आगे खोलो। सुना नहीं, सुना नहीं भोज, भोज मुझे नहीं होना, सुना नहीं। आगे खोलो, आगे खोलो, देखो देखो मित्र, देखो 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 मेरी, भोज देखो मेरी, भोज 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 आगे खोलो, भोज भोज। हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं है। तरपराज, आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? आइए वैद्य जी। आगे खोलो, देखो मेरी, देखो मेरी, उसे नहीं होना, उसे नहीं होना। बुत सुनाने, सुनाने बोल। गुरुआदित्य, इस विषय में हम तैलब से कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है पुत्री, आप जाइए, मैं यहां हूं। हमने विशेष निर्देश दिया था कि मालवा के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का शत्रुगत या अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? अनुमान भी है तुम्हें कि ये मान्यखेट के लिए कितनी लज्जास्पद और अपमानित करने वाली बात है। ऐसा घृणित षड्यंत्र रचकर तुमने हमारी सारी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है तैलब। नहीं अक्का, हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आए, मान्यखेट को किसी भी प्रकार का अपमान सहना पड़े। हमारा इस षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं आका। तो किसका संबंध है तैलब? ये कार्य वही कर सकता है जो पूर्वग्रह से ग्रसित हो और प्रतिशोध की भावना रखता हो, और तुम्हारे पास दोनों ही कारण हैं। अका, आप हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है ये कार्य तुमने स्वयं नहीं किया हो तैलब, सहयोग लिया हो किसी का, या फिर सलाह ली हो विक्रमजीत की और उसने तुम्हें ये घृणित कार्य करने का सुझाव दिया हो। अका, यदि हमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह होता या किसी षड्यंत्र का विचार होता तो हम स्वयं सक्षम हैं कि ये निर्णय ले सके। हमें किसी की सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें तुमसे अधिक जानते और समझते हैं तैलब। हम तो बस ये आश्वस्त करना चाहते थे कि कहीं विक्रमजीत ने तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाकर तुम्हें यह अनुचित कार्य करने को प्रेरित तो नहीं किया। तैलब, हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इस घटना की सच्चाई तक शीघ्र पहुंचे, क्योंकि यह कार्य कोई बाहर का व्यक्ति करे ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा षड्यंत्र वही कर सकता है जिसे महल की आंतरिक व्यवस्था का ज्ञान हो। पता लगाओ कौन है वो। जी अखा। और हाँ तैलब, विक्रमजीत पर कड़ी नजर रखी जाए, इससे पहले कि कोई नई घटना घटे अतिथियों की सुरक्षा प्रबंध को और विस्तार दे दिया जाए। आका। हम आपसे इस विष भोज के लिए आपका आभार।
राजकुमार का विष निकल चुका है और इनकी मूर्छा भी समाप्त हो गई है। भोज, भोज, पुत्र, यदि आप हमें कोई उत्तर नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। क्या दें हमें? राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं। फिलहाल उन्हें हमारे विश्राम गृह में आराम करने दीजिए। उनकी स्थिति यात्रा के लायक नहीं है। मैं अपने शिविर में जाना चाहिए। मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। रसनिधि, तैलपराज और राजकुमार मृणाल को सूचित करो। जी। ये आप क्या कर रहे हैं पृथ्वी? ने आराम करने दीजिए। हमें आज्ञा दें, वो जब स्वस्थ है शिविर जाने के लिए। हमें कुछ क्षण दीजिए, हम राजकुमार के जाने का उचित प्रबंध करा देते हैं। मान्यखेट राज परिवार की तरफ से हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसकी जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। अब इसकी भरपाई आपकी क्षमा से ही संभव होगी। कृपया हमें बताएं कि हम इसकी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम हमारे मन में कोई द्वेष या क्लेश लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन यदि आप हमारी मित्रता का सम्मान रखना ही चाहती हैं, तो अनुमति दीजिए। मूर्ति बनाने की ठीक है, बना लीजिए। आभार। ऐसे हंसते खेलते भले इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? भोज, जिस किसी ने भी आपकी ये दशा की है, परहादेव उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे बल्कि दंड देंगे।
बिलास यहाँ जरूर मालवा की राजकुमार से मिलने आई होगी। चाचा, आज तक सुना था मैंने विष विष को काटता है, आज तो देख भी लिया। प्रयास करो मेरा, मेरा विष आपके काम तो आया। मेरे विष के कारण राजकुमारी मृणाल के मन का विष तो कम हुआ, तभी उन्होंने आपको मूर्ति बनाने की अनुमति दे दी। ये विनोद का विषय नहीं है भोज, यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या उत्तर देता मैं सिंधु और सावित्री को? मालवा को तुम भविष्य हो, मालवा के मालवा जाने योग्य नहीं रहता मैं। जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे चाचा हमेशा तुम्हारे पास नहीं होते, भले मैं उन्हें अपना शत्रु ना मानूं, लेकिन सत्य तो यही है ना बोझ कि हम शत्रुओं के राज्य में सतर्क रहना चाहिए। पृथ्वी, एक बात तो है कि मानीखेत के राजघराने का काम नहीं है। मैंने खुद सुलोचना को भोजन का परीक्षण करते हुए देखा था। लेकिन आज की इस दुर्घटना ने प्रणाल की एक बात को तो रेखांकित कर ही दिया कि मानीखेत में हमारे कई और शत्रु हैं, हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। मूर्ति तक तो ठीक था, किंतु ये औषधि बनाते हुए आपकी छवि कुछ ठीक नहीं लगती। महाराज की जय हो। मान्यखेत की राजकुमारी मृणाल पधारी हैं। बुलाइए। जी। तुम्हारी ये छवि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। राजकुमारी, राजकुमार भोज आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, और कल रात आपके साथ जो दुर्घटना घटी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अपेक्षित नहीं था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ही कोई चूक रही होगी, लेकिन हम पड़ताल कर रहे हैं। महाराज पृथ्वी वल्लभ को हम ये आश्वस्त कराना चाहते हैं कि उस दुर्घटना के पीछे राज परिवार के किसी भी सदस्य का कोई हाथ नहीं था। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको अविलंब सूचित करेंगे। तब तक महाराज का आदेश है कि आपकी सुरक्षा दोहरी कर दी जाए। विश्वास है आप पर। और हाँ, घटना की जांच तो आवश्यक है, लेकिन ये अब हमारी सुरक्षा बढ़ाना ये अनावश्यक। इससे हमारे सैनिकों में अविश्वास की भावनाओं को बल मिलेगा, और वो हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। राजवैद, राजकुमार भोज तथा इनके हाथ में लगे विष का निरीक्षण और उपचार कीजिए। जी राजकुमार। आशा करते हैं इस पर आप कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे।
राजकुमार ये औषधि ग्रहण कीजिए। लीजिए। राजकुमार इस औषधि के पीने से आपको नींद आ जाएगी, आपके शरीर को आराम की आवश्यकता है। महाराज आइए। हाथ दिखाइए। विष गहरा गया, पेशियां बहुत फूल गई हैं। औषधि के सूखने तक हाथ को इसी अवस्था में रखिए। हमें कुछ और औषधि बनानी पड़ेगी। रसोई किधर है? वैद्यराज इस तरफ। अब ये सूख चुका है। महाराज ये औषधि ग्रहण कीजिए। अब आप विश्राम कीजिए और यदि कोई भी आवश्यकता होगी तो निसंकोच हमें बताइएगा। पृथ्वी राजकुमारी बराकुल समर्थ रहे। सुलोचना तुम्हें इस समय विश्राम करना चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य इस समय कोई कार्य करने के अनुकूल नहीं है। राजकुमारी औषधियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और हम पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यदि तुम सही समय पर आकर हम सबको सतर्क नहीं करती तो वो तो हमारा कर्तव्य था, किंतु कहीं ना कहीं दुख हमें इस बात का भी है कि हमारे होते हुए भी राजसी भोज में विष मिलाया गया। कहीं ना कहीं कमी हमारी सतर्कता में रही होगी। तुम्हारी सतर्कता में कोई कमी नहीं है सुलोचना। सुलोचना के माथे पर कलंक है ये घटना, और जब तक हम इस षड्यंत्र
और इस षड्यंत्रकारी का पता नहीं लगा लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमारे अगले आदेश तक इस घटना की जांच को स्थगित किया जाए। अब जाओ जाकर विश्राम करो। कौन है वहां? कौन है यहां? बाहर आओ, बाहर आओ। हम कोशा हैं। कोशा? कौन कोशा? जी वो गोदावरी पार। निर्भीक होकर कहो, तुम सुरक्षित हो? जी हम कोशा हैं और हमारे पीछे राजमहल के सैनिक पड़े हैं। उन्हीं से बचकर भागते भागते हमने यहाँ शरण ली। राजमहल के सैनिक तुम्हारे पीछे? जी। क्या अपराध किया तुमने? जी हमारी कोक में महाराज तैलब का अंश पल रहा है। तो क्या ये सब तैलब राज के कहने पर हो रहा है? नहीं नहीं, उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं है। कोशा, मुश्किल से छुपा के भोजन लाई हूं, इससे पहले कि कोई आ जाए। जल्दी से खा लो। जी ये हमारी मौसी हैं। आप लोग डरिए मत, ये मालवा राज्य का शिविर है और मैं मालवा का सम्राट पृथ्वी वल्लभ हूं। जब तक मैं यहां हूं आप लोग सुरक्षित हैं। आइए मेरे साथ, एक शिविर में आप लोगों के रहने का समुचित प्रबंध किया जाएगा। धन्यवाद। आइए। माँ, हमें लगता है हम उन्हें देखने जाना चाहिए और पूछना चाहिए अब उनका स्वास्थ्य कैसा है। और फिर हमारी औपचारिकता भी तो यही कहती है ना कि हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। अच्छी बात है विलास कि आप औपचारिकता और अनौपचारिकता के भाव को समझ रही हैं, पर आप ये भूल रही हैं कि वो आपके नहीं मान्यखेत के आती थी। इन सारी बातों को समझने के लिए आप अभी भी छोटी हैं। नहीं लक्ष्मी, विलास की उम्र भले ही कम हो लेकिन हमारी विलास मान मर्यादा और राज की औपचारिकताओं की अच्छी समझ रखती है।
प्रणाम। ये तो अच्छे संस्कार के लक्षण हैं। लक्ष्मी, मुझे विलास की सलाह उचित लग रही है। लेकिन विलास, तुम अकेले ही क्यों? उन्हें देखने हम भी तो चल सकते हैं। क्यों विलास, अच्छा होगा ना यदि हम तीनों एक साथ में चले? विलास, तुम दासी से कहकर वहां जाने की व्यवस्था करोगी? मैंने उनके लिए कुछ विशेष फल और औषधि की व्यवस्था की है। जी अवश्य, हम सब कुछ कर लेंगे, आप निश्चित रहिए। लक्ष्मी, अभी मेरा गुप्तचर मेरे पास खबर लेके आया कि कुशा और उसकी मौसी जीवित है और उन्होंने ये संदेह जताया है कि उन दोनों को पृथ्वी वल्लभ के अतिथि कक्ष वाले क्षेत्र में कहीं देखा गया है। दीदी, फिर तो इस बात की पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है। कहीं ये मामला कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। दीदी, मेरी आपसे बस एक विनती कि इस विषय में विलास को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अवश्य। एक आखिरी बार वो दोनों मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। पृथ्वी वल्लभ जी दिखाई नहीं दे रहे? पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। दासी, कल रात से मेरा मन विचलित हो रहा था। बार बार राजकुमार भोज की छवि आंखों के सामने आ रही थी। अभी इन्हें देख लिया तो चित शांत हुआ। राजवैद्य की औषधियां अद्भुत हैं। स्वास्थ्य लाभ तो ऐसा हुआ है कि मुझसे परिहास करने लगा है। फिर तो हमें राजवैद्य जी को आभार प्रकट करना पड़ेगा। वैसे कल रात की घटना ने हम सभी को घनघोर चिंता में डाल दिया था, इसलिए मैं पाक कला में पारंगत कुछ महाराज को आपकी सेवा में लेकर आई हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो पाकशाला देखना चाहेंगे। जी अवश्य। विलास, तुम कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा करो, हम अभी आते। चलिए दीदी। आपके बैठने के लिए कुर्सी लाने के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ बैठेंगी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ जाइए। आपके चेहरे पे तेज वापस आ रहा है, लगता है विष उतर गया है। प्रतीत तो यही होता है। भोजन के स्वाद से विष का संकेत नहीं हुआ? नहीं, वो क्या है कि मैंने अब से पहले कभी विष चखा ही नहीं था। आपने चखा है?
नहीं, पर मन बहुत था। पता है हम बचपन में विश्वकन्या बनना चाहते थे। विश्वकन्या क्यों? ऐसे ही राजकुमारियों के जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता कुछ बनने का। तो आपने विश्वकन्या बनने का निर्णय ले लिया? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब शरीर में विष फैल रहा था तो अनुभूति कैसी हो रही थी? ऐसी जैसे कोई मेरा खून सोख रहा हो। और? घुटन हो रही थी। और? ये और क्या लगा रखा है आपने? बस इतना ही हो रहा था। बस इतना ही? आपने तो निराश कर दिया राजकुमार। हमें तो लगता था कि धमनियों में लावा पिघलता होगा, धरती फटने लगती होगी, आकाश गिरने लगता होगा, उल्कापात। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, आपकी उपेक्षाओं पे मैं तो खरा नहीं उतर पाया। हम आपके लिए जल लेकर आते हैं। इस जगह को देख सकते हैं? जी अवश्य, मुझे अनुमति दें। रसीदी। रशनीति जी, क्या आप महाराज को रसोई घर दिखा देंगे? तब तक हम बाकी के शिविर का निरीक्षण कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए। जल्दी निकलते यहाँ से, वो यहाँ भी आ गई है। प्रेत की तरफ पीछा कर रही है हमारा। कौन, महारानी चकला? हाँ वही। अब चल निकलते हैं यहाँ से। उषा चल। धन्यवाद। तो अब आपने क्या बनने का सोचा है? हम मृणाल बुआ जैसा बनना चाहते हैं। यानी कि योद्धा? अरे आपसे किसने कहा कि मृणाल बुआ सिर्फ एक योद्धा है? उनका संगीत में भी महारत है। आप कुछ नहीं बजाते? जी कुछ बजाते हैं? कुछ नहीं बजाते? नहीं। रसीन, कलाहीन। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लिख लेते हैं, कविता लिखते हैं हम। आप कविता लिखते हैं? हाँ। सच्ची? अच्छा, उस दिन की तरह ना, सुन लटक झटक। विलास जी। माँ चले बेटा। जी।
मान्यखेट के वासियों, आप सभी को पृथ्वी वल्लभ का प्रणाम। मैं पृथ्वी वल्लभ इस स्थान पर मूर्तिकला की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। एक ऐसी भव्य प्रतिमा बनाना चाहता हूं जो अपने समय के लिए प्रेरणा बने। कला साहस मांगती है, समर्पण मांगती है। मैंने साहस दिखाया तो मुझे उसका पुरस्कार भी मिला। राजकुमारी मृणाल से इस मूर्ति को बनाने की अनुमति मिली। कला एक ऐसी संजीवनी है जो समस्त संस्कृति में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार करती है। और मूर्तिकला तो बेजान पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देती है। तो यदि आपकी कल्पना भी उड़ान भरती है, आपका दिल भी कला के लिए धड़कता है, तो आइए, स्वागत है आपका। कला के प्रति अपने प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए मेरी सहायता कीजिए। आइए। पृथ्वी, समय बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं तुम्हारे पास, इतना कष्ट क्यों ले रहे हो तुम? मूर्तियां तराशने में बरसों लग जाते हैं पृथ्वी, लेकिन तुम्हारे पास ले देकर केवल 4 से 5 दिन हैं, बस कुछ नहीं कर पाओगे। चलो मान लो कुछ बना भी लोगे तो क्या हश्र होगा? अरे जैसे ही तुम्हारे कदम मान्यखेट की भूमि से बाहर जाएंगे, ये मूर्ति टूट के गिरा दी जाएगी। मैं सृजन की सोचता हूं, विध्वंस की नहीं। पर इतना तो सोच लेते कि मूर्ति कैसे पूरी करोगे, क्योंकि तुम्हारे किसी भी प्रयास को परिणाम तक पहुंचने दूंगा नहीं मैं। मूर्ति तो ये बनकर रहेगी विक्रमजीत, क्योंकि हार मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हें नहीं रोकूंगा, किंतु स्वयं भी नहीं रुकूंगा। राह में आए तो झुकूंगा भी नहीं। और यदि तुम स्वयं टूटकर बिखर गए तो दायित्व तुम्हारा है। हम लोग तुम्हें पृथ्वी वल्लभ का रास्ता नहीं रोकने देंगे। आज बहुत दिनों के बाद मानिकेट को एक शुभ संकेत प्राप्त हुआ है, हम इसे मिटने नहीं देंगे। और हम लोग तुम्हें पृथ्वी वल्लभ को रोकने नहीं देंगे। रुक जाओ। साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके व्यक्तित्व और कला प्रेम से तो परिचय हो गया, अब आपका परिचय देने की भी कृपा करें। क्षमा करना महाराज पृथ्वी वल्लभ, ये शिल्पकार दोनों हाथ जोड़कर
आप जैसे राजा का और कलाकार का अभिवादन आज नहीं कर पाएगा। अल्लाह से प्रेम करने का मूल्य चुकाया है इन दोनों हाथों ने। कला पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अपराध किया था इस भावुक मन ने। किंतु दंड मिला इन दोनों हाथों को। किंतु मुझे एक हर्ष है कि मान्यखेत में ये कला फिर से प्रहार करेगी और भावनाओं को फिर से भरेगी। अपने रक्त से आपने कला के जिस बीज को बोया है शीघ्र ही उसका उद्घोष होगा। आपको नमन करता हूं। पृथ्वी वल्लभ की जय। पृथ्वी वल्लभ की जय। पृथ्वी वल्लभ की जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.